श्रोमणी कमेटी मैंबर अते विरोधी धिर दे नेता भाई गुरदीप सिंह रंधावा ने अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल से इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहना है कि फतेहगढ़ जिले में पिंड खरौड़ा में श्रोमणी कमेटी वालों खरीद की गई जमीन में करोड़ों रुपए का कपला सामने आया है। इस ते ना ही प्रधान बोलते हैं अते ना कोई होर। अज का मसला यह कि जरा पिछले दिन इतने प्रशासन तो श्रोमणी कमेटी के संबंध में असी अखबारों के जरा वाद विवाद देखे तो मैं समझना कि मंदभागा नहीं सी होना चाहिए। दूसरी गल कि हल जरा मिल बैठ के हो सकता कोई एड्डी वड्डी गल नहीं सी तो श्रोमणी कमेटी के मैंबर ही मेरा ख्याल है यदा हल करवा सकते। दूसरी गल कि जड़ा ये मसला मैं ये मंग करदा कि बार बार यहाँ हरेक साल ही फिर खड़ा होगा ठेका तुम हरेक साल देना हरेक साल ही इस तरह के अड़ीके अज प्रशासन ने पाते कल कोई होर पा दूगा। श्रोमणी कमेटी अपनिया परमानेंट दुकाना जड़िया ने वो क्यों नहीं जड़िया है इतने खड़िया करती जिस तरह इतने मार्केट बनी हुई है गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब के सामने तो इतने जगह सिलेक्ट करके श्रोमणी कमेटी अपन परमानेंट दुकाना बना लवे तो परमानेंट जी उन्हों की इनकम जड़ा है गुरु घर में मिलनी शुरू हो जाए तो इस करके योजे झगड़े मुक जाएंगे। दूसरी गल यह आ कि गुरुद्वारों के जोड़ा ठेकेदारी सिस्टम है ये जड़ा आने वाले समय के लिए बड़ा घातक समझ। देखो पहला तुम शुरुआत की लंगर देन लग गए जड़िया बिल्डिंगा ठेके कार सेवा वालों छड के बिल्डिंगा तुम देन लग गए ठेकेदारा फिर दुकाना के ठेकेदार आ गए तो कलू फिर तुम लंगर बनाने भी ठेके दे दोगे। ये सिस्टम जड़ा है हौली हौली जरा सू सिद्धांतक ढाला दूगा तो मेरा ये कहना इनकम का मैं हामी है इनकम बने गुरु घर हो पक्या दुकाना बन जा। नंबर दो मेरा लौंगोवाल साहब के नाल एक गिला वो मैं ये आ कि जो वो आए ने इतने उन्होंने फतेहगढ़ साहब के इस मसले की गल की तो मैं उन्होंने पूछना चाहना कि असी इन्ने सालों तो जी खरौड़ा पिंड की जड़ा करोड़ों रुपए का जड़ा वह उत्थे गबन होया जड़ा अवतार सिंह मक्कड़ की अगवाई दे 24 करोड़ रुपया जड़ा वह खुरदबुरद किया गया कुछ निजी लालसावां दे कारण तो लौंगोवाल साहब ने खुद कहा कि असी इहदी जांच करावांगे जदों ये प्रधान बने तो मैं हैरान इस गल ते आ भी उहदी कोई गल नहीं करदे। जे तुहानू ये लगता कि ये 70 लख जड़ा ठेकेदार तो तुहानू आउणा है ये तुहाडा नुकसान होया है तो मैं कहना कि वो 25 करोड़ रुपये की इनकम से 24 करोड़ की जी कि 50 किलिया का ठेका ही जोड़ा है 20 लख बनता तो 1 करोड़ का नुकसान थोड़ा इतने होया ना वो की जाँच कराने तो ना वो कोई गल कर दौ। बड़े दुख की गल है कि जिन्हें श्रोमणी कमेटी के मैंबर कल नाल बैठे से मैं इस गलों बड़ा हैरान है कि उन्होंने अज तक किसी बंदे ने खरौड़ा पिंड के इस करोड़ों रुपये के कपले से जड़ा है ये बारे कदे कोई स्टेटमेंट नहीं दी कदे ये बारे ये दुख नहीं जाहिर किया तो ये 70 लख का बड़ा दुख जाहिर हो रहा है। मेरा ये सवाल है कि वह गुरु घर का सरमाया नहीं सी बल्कि वह सरमाया वो सी जिहड़ा सिखा ने अपने प्लाट बेच के गुरु घर के नाँ ते FD कराइया तो गुरु घर के नाँ ते सिखा ने अपनिया जिहड़ियां किरत कमाइया इत्थे जमा कराइया तो मिनटां दे विच चंद बंदे जिहड़े ने उहदा आर पार करके पार गए तो उहदे बारे कोई क्यों नहीं बोलता है। इस संबंधी प्रधान लौंगोवाल नाल गलबात की गई तो उन्होंने अपना पला झाड़ते हुए कहा कि मेरे तो पहला कई मसले हैं मेरे प्रधान वेले का अजिहा कोई मसला नहीं है। देखो सरकार नाल असी गल की है सरकार नूं चाहिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मलकीत है और उहदे विच दखलअंदाजी ना होवे उहदे भी मैं गल की सी नहीं जिवें साडी सब कमेटी हैगी इत्थों दी इह बैठ के जो फैसला करेगी और वो फैसला ही उस तरह ही उसके कार्रवाई की जाएगी। देखो बहुत सारे पुराने मसले ने मेरे वेले तो कोई होया नहीं जो मैं प्रधान हाँ ये पुराने मेथों पहल बहुत सारे मसले हुए ने उहदे असीं देख लांगे किस तरह भी होगा पहला देखा जाऊगी मसला कदों आउंदा है कमें होया सारा उहदी पहला रिव्यू किया जाऊ उस तरह। तो उन्होंने सुजैस किया भाई गुरदा ने भी ये जो ठेकेदारी सिस्टम खत्म करके जो पक्की दुकाना बनाई जाए उत्थे तो श्रोमणी कमेटी को होर ज़्यादा लाभ होगा। देखो ये साड़ियाँ सब कमेटियां बनिया होंगे ने जो स्थानक साढ़े मैंबर ने वो सारा उत्थों की स्थिति देखते हैं स्थानक
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।